नमस्कार, मेरा नाम पिट्टू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं और उन्होंने जो है काराकट लोकसभा सीट से नॉमिनेशन कर लिया है। नॉमिनेशन के बाद जो है अब नज़र टिकी हुई है कि उनका जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, और अगर आप एक्सेप्ट हो जाता है तो उनको सिंबल क्या मिलेगा, यानी कि उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा और चुनाव चिन्ह कब मिलता है, कैसे मिलता है, कौन देता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, आप सभी को जानना चाहिए, आप देश के नागरिक हैं तो ऑब्वियसली आप सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप निशान है, आरजेडी के पास आपको पता होगा ललटेन है, इसके अलावा कांग्रेस के पास पंजा है, और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो जेडीयू की पार्टी है नीतीश कुमार की, उनके पास जो है तीर छाप है। इसके अलावा और भी तमाम जो पार्टियां हैं उनके सिंबल्स आप जानते होंगे, लेकिन जो चुनाव पार्टी से ही लड़ रहा है उसका ऑलरेडी फिक्स्ड है कि भाई ये सिंबल मिलेगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, जो निर्दलीय लड़ रहा है, उसका क्या प्रोसेस होता है, तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। जब दोस्तों बात करूँ तो भारत में चुनाव कराने से लेकर पार्टियों को मान्यता और उन्हें चुनाव चिन्ह देने का काम चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव आयोग की संविधान के आर्टिकल 324 यानी कि रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल एक्ट 1951 यानी कि 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल यानी कि 1961 के माध्यम से यह पावर मिलती है। निर्वाचन आयोग द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के मुताबिक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की पावर मिलती है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी सिंबल देने का वो पूरा का पूरा प्रोसेस करता है। चुनाव आयोग के पास इस तरह के सिंबल की भरमार होती है। वह चुनाव चिन्हों के लिए दो लिस्ट बनाकर रखता है। पहली लिस्ट में वे सिंबल होते हैं जिनका आवंटन पिछले कुछ साल में हुआ है, जबकि दूसरे लिस्ट में ऐसे सिंबल्स हैं जिनका आवंटन किसी को नहीं हुआ है। चुनाव आयोग अपने पास रिजर्व में कम से कम 100 ऐसे निशान हमेशा रखता है जो अब तक किसी को नहीं दिया गया है। इनमें से ही किसी भी नए दल या फिर आजाद उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। हालांकि कोई दल अगर अपना चुनाव चिन्ह खुद चुनाव आयोग को बताता है और वो सिंबल अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है तो आयोग उस पार्टी को अलॉट करती है, वहीं राष्ट्रीय दलों को रिजर्व चुनाव चिन्ह मिलता है। तो अगर पवन सिंह का जो है उनका एक्सेप्ट हो जाता है सारी चीज़ें, तो पवन सिंह को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उनको चुनाव चिन्ह मिल सकता है, और उन चुनाव चिन्ह में तमाम चीज़ें हैं, कभी खटिया मिलता है, किसी को अलमारी मिलता है, किसी को हॉकी मिलता है, किसी को चलती हुई बैलगाड़ी मिलता है, मतलब तमाम जो चुनाव चिन्ह हैं वो मिलते हैं। अब नज़र बनी रहेगी जैसे पवन सिंह के इस चीज़ को लेकर अपडेट आएगा मैं बताऊँगा, लेकिन ये आपको जानना होगा कि कौन देता है, कब देता है, कैसे देता है। तो ये जानकारी थी, बाकी सब डिटेल को लेकर